गालिब, दिलबाग, पाश, गिल, इताली, इन सभी लोगों की एक मिलीजुली कहानी कहती हुई नजर आती है। बहुत सारी फिल्में ऐसी होती हैं जो बहुत ही स्लो बर्न होती हैं, बहुत धीरे से स्टार्ट होती हैं और पूरी फिल्म खत्म होने के दौरान ऐसा लगता है कि उन्होंने रफ्तार पकड़ी ही नहीं। पर सबसे खास बात जो उन्हें स्पेशल बनाती है वो ये कि आपका कभी भी मन नहीं करता कि मैं यहाँ से हट जाऊँ। अरे कहना क्या चाहते हो? OTT आने के बाद आपके पास प्रचुर मात्रा में स्वतंत्रता है कि आप उस कंटेंट को छोड़ सकते हैं जिसको आप देखना नहीं चाहते। 98 मिनट लंबाई वाली जिस फिल्म की चर्चा हम आज आपसे करने जा रहे हैं वो बहुत ही धीरे शुरू होती है। मसलन उसका पहला सीन ही आधे मिनट बाद खुलता है। आपको एक ट्रक के रुकने की आवाज़, हॉर्न का साउंड और उसके बाद कुछ खटपट सुनाई देती है। कई बार अपने मोबाइल की स्क्रीन को टैप करके देखना पड़ा कि कहीं मेरा वीडियो तो नहीं रुक गया और केवल ऑडियो ही चले जा रहा है। मज़ा नहीं आ रहा है। गालिब का किरदार जिस तरीके से इस फिल्म के जरिए निकल के सामने आता है, उसने एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में हमारी फिल्मों में बहुत ज़्यादा नहीं कहा गया था उसको हमारे सामने रखा कि एक ऐसा ट्रक ड्राइवर जिसने रोड को ही अपनी ज़िंदगी मान लिया है और ट्रक जिसका घर बन चुका है, अपनी पर्सनल लाइफ में हुए नुकसान के बावजूद वो एक झूठी सी ज़िंदगी जीने की कोशिश करता हुआ नज़र आता है। दिल्ली NCR में रहने वाला पंजाब का ये शख्स जिसकी पत्नी आती है नॉर्थ ईस्ट यानी कि सिक्किम से, इताली नाम की वो महिला जिसकी थोड़े दिन पहले मृत्यु हो चुकी है। आपके अंदर क्या क्या टूट सकता है उस सबकी ट्यूटन आपको इस फिल्म में महसूस हो जाएगी। फिल्म के अधिकांश हिस्से या तो अल सुबह या देर रात शूट किए गए हैं। हमेशा एक नीली सी शेड लिए हुए फिल्म आपको ये बार बार एहसास दिलाती है कि अभी सुबह होने वाली है या फिर अभी शाम होने वाली है या रात हो चुकी है। ये कुछ इस तरीके से ही है कि जीवन की सुबह और जीवन की शाम होती हुई नज़र आ रही है। एक दशक से ज़्यादा ट्रक और रोड पर अपनी ज़िंदगी जीने वाला ये शख्स आज अपने आप को थ्रेट महसूस कर रहा है एक लड़के से जिसकी उम्र महज 21 या 22 साल होगी, जिसके सामने समस्या ये आ गई है कि अगर उसकी नौकरी जाती है तो क्या उसकी ज़िंदगी भी चली जाएगी। मिथ्या का ये स्वरूप जो फिल्म हमारे सामने लेके आई है उसका हिंदी में नाम है मील पत्थर, अंग्रेजी में आप इसको माइलस्टोन कह सकते हैं। प्लेटफॉर्म जिस पे आप देख सकते हैं उसका नाम है नेटफ्लिक्स। फिल्म की लंबाई पहले ही बताई जा चुकी है, 98 मिनट है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इवान अयार जो कि भारतीय मूल, बेसिकली इवान अयार जो उसके डायरेक्टर हैं इंडियन हैं, इंडिया में पढ़े लिखे उसके बाद बाहर गए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, वहाँ से उन्होंने अपनी इंग्लिश लिटरेचर और फिल्म में स्क्रीन प्ले वगैरह कुछ ज्ञान हासिल किया। नेटफ्लिक्स पर कुछ साल पहले फिल्म आई थी सोनी जो कि बहुत बेहतरीन फिल्म थी, मोस्ट रिकमेंडेड है, फिर से आपको बता देता हूँ। उसके डायरेक्शन के बाद उन्होंने आजमाए हाथ मील पत्थर में। सुविंदर विक्की गालिब का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, उनका साथ दे रहे हैं लक्षदीप सरन पाश के किरदार में। प्रोड्यूसर रहेंगे आपको किमसी सिंह, संगीत है गौतम नायर का, सिनेमाटोग्राफी है एंजिलियो फसीनी की। तो फिल्म गालिब, दिलबाग, पाश, गिल, इताली, इन सभी लोगों की एक मिलीजुली कहानी कहती हुई नज़र आती है। एक ज़िंदगी है जो अपना एक छोटा सा हिस्सा फिल्म के जरिए आपको आपके सामने रखती हुई नज़र आती है। अगर आप गंभीर या फिर कुछ ऐसी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं या फिल्मों से ज़्यादा ये मैं कहूँ कि आप कुछ ऐसा पढ़ना पसंद करते हैं जिसमें ग्रेविटी है, तो आपके लिए ये फिल्म एक बार देखने लायक हो सकती है। क्रिटिक्स ने फिल्म को भरपूर सराहा है, डायरेक्टर ने अपने काम को ईमानदारी से किया है। सुविंदर विक्की की चौथी कूट आपने देखी होगी, नहीं देखी तो आप उसको ज़रूर देख सकते हैं, वो भी एक बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेबल फिल्म है देखने के लिए। इस फिल्म माइलस्टोन जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं इसका अधिकांश हिस्सा हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज में ही शूट किया गया हो, समझने में आपको कोई समस्या आएगी नहीं, मसलन आप यूज़ भी कर सकते हैं सबटाइटल्स का। गालिब की ये कहानी, पास से उसका मिलना, इताली का जाना, ट्रक्स, रोड्स और ट्रक ड्राइवर्स की ज़िंदगी, एक आदमी जो जो नाइट विज़न जिसका पुअर हो चुका है उसको किस तरीके से अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता है, ये सब मिला जुला और कुछ कुछ सुबह और कुछ कुछ शाम और देर रात का एहसास अपने अंदर समेटे ये फिल्म आपको एक नई जर्नी पर ज़रूर ले जाएगी। प्यासा में अगर आप ये कहानी देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। हमारा कंटेंट पिछले एक महीने से रुका हुआ था, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको अच्छा कंटेंट ला के देंगे, अच्छी फिल्मों के बारे में आपको जानकारी देंगे। तब तक आप अपना कोविड के खिलाफ इस लड़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। समझ रहे हो?
हमारी अगली कहानी तक गुड बाय।